असी प्रशासन को मांग करते हैं फिर इलेक्शन कराई जाए, सानू किसी तरह की इंसाफ लैन की लड़ाई ना लड़नी पवे, क्योंकि जे लड़ाई हुई तो नुकसान बहुत वड्डा होगा तो उसके लिए प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेवार होगा। दाखा हलका से उपचुनाव में अकाली दल के उम्मीदवार मनप्रीत सिंह अयाली ने डीसी प्रदीप कुमार अग्रवाल से मिलकर उन्हें एक मांग पत्र दिया है जिसमें चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि देखो जी 21 अक्टूबर को बाई इलेक्शन होने जा रही है हल्के दाखे के जी, जो बाई इलेक्शन होंगी है ना उस तो पहले जी सरकार होंगी मौजूदा वो कोशिश होंगी भी असं इलेक्शन जीतीए, क्योंकि वह जित्ती किदां जांदी है भी उहदे लई उस इलाके दे लोकां दे दिल जितने पैंदे ने। पहलां सरकार नूं चाहीदा सी भी इस इलाके जिहड़े विकास दे काम ने, बहुत वड्डियां आसां सी लोकां नूं कि बाई इलैक्शन आ गई है भी साडे दा इलाके दा कोई काम रहना ही नहीं डिवेलपमेंट दा, लेकिन पिछले 11 महीने हो गए फूलका साहब दे इस्तीफा दित्ते नूं, इन्हां नूं पता सी बाई इलैक्शन आउणी आ, कोई डिवेलपमेंट दा काम नहीं कीता गया। 100 करोड़ दे ऐलान कीते गए पार्लीमेंट तो पहला, लेकिन मिलया कुछ भी नहीं। जिहड़े पिंड नूं 4 करोड़ का लान किया सीगा उहनूं 4 लख भी नहीं मिलया। सो इसलिए अज लोग इन्हां दी पंचायतां भी नाराज़ ने, इलाके दे लोग भी नाराज़ आ भी 2.5 साल दे विच कुछ नहीं किया। सो हुण इलैक्शन लड़न ते आ गए ने लेकिन ग्राउंड ते है कुछ नहीं। सो जदों इन्हां ने आ के देखिया भी सानूं लोकां दा रिस्पोंस नहीं मिल रहा, तां हुण इन्हां दा जिहड़ा इन्हां दे जिहड़े इत्थे मंत्री MLA तुरे फिरदे ने वो हुण धमकियां ते उतर आए ने कि असी तो धक्के नाल इलैक्शन जित लेनी है, इदा कर देना उदा कर देना, वो अज इन्हां ने यह माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिता। सो इसलिए असी इन्हां तों डरदे नहीं किसी धमकियां तो, ना साडा कोई वर्कर डरदा, लेकिन असी कानून के दायरे च रह के हर गल करनी है, हर काम करना। इसलिए सब तो पहला तो असी DC साहब नूं अज मिल के उन्हां दे ध्यान दे विच जिहड़ी पिछले समय दे विच जिहड़ी गुंडागर्दी हुई आ, रवनीत सिंह बिट्टू ते आशू जिहड़े इत्थों तों MLA सी हुण मंत्री ने, इन्हां दी अगवाई दे विच 400-500 गुंडे लै के जो इन्हां ने उदों बूथ कैप्चरिंग की, धक्के नाल वोटां पाईआं, लेडीज़ दी बंदियां दी कुटमार की, वो सारिया CDs असी दे दित्तियां DC साहब नूं, उहदी सारियां जिहड़ियां साडे कोल वीडियो क्लिप सीगे वो सारिया फोटोग्राफ्स असी दे दित्तियां ने, क्योंकि उदों तां इह सरकार इलैक्शन करा रही सी, हुण सेंटर इलैक्शन कमिशन करा रहा वा। सो इसलिए एक तां असी जिहड़ी पैरामिलिट्री फोर्सिस दी मंग कीती आ भी इलाके दे विच सारे 220 बूथ ने उन्हां नूं सेंसिटिव डिकलेयर किया जाए तो सारयां दे उपर पैरामिलिट्री फोर्स लगे, और उहदे नाल नाल भी जिहड़ी वीडियोग्राफी होवे अंदर भी तो बाहर भी, तो कोई भी जिस दिन 19 नूं प्रचार बंद हो जाता वा शाम नूं उस तो बाद कोई भी बाहरला लीडर किसी भी पार्टी का वर्कर चाहे वह साडा वा चाहे किसी होर पार्टी का वो इलाके दे विच बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अते इस तो बिना एक इत्थे SHO लाया इन्होंने दाखे, ये पिछलियां चोणां दे विच भी इत्थे वोटरां तों भगाउंदा फिरदा सीगा, अते पिछे जदों इलैक्शन होई उस समय ये डेलों SHO सी उदों भी इन्हें धमकियां दित्तियां, वो वीडियो इहदी आडियो वायरल होई है सारी, उहदियां कंप्लेंटां भी होईयां शायद उहदे विच, इहदे कारवाई भी होई सी। सो इसलिए इहनूं कोर्ट लगन तों बाद इत्थे लाया गया। सो कुछ तां इहनूं भुलेखा भी पता नहीं पुलिस सानूं वोटां पवा दूगी, पर फिर भी असीं किसे तरहां दा कोई दबाअ साडे किसे वोटर ने किसे भी वर्कर ने चलना नहीं। सो असी इन्हां नूं रिटर्न सारा कुछ दे दिता पहलों, क्योंकि असी नहीं चाहुंदे भी सानूं कानून हत्थ 'च लैणा पवे, सानूं इंसाफ लैण लई कोई लड़ाई लड़नी पवे। असी इन्हां नूं इह गल कह दित्ती है क्लीयर कट भी असी जे तुसीं लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करोगे तो वैल एंड गुड, तुहाडी जिम्मेवारी आ, पर जे कोई पक्षपात होया कोई ढिल होई तो फिर असी हर तरह की लड़ाई लड़ांगे। इलैक्शन वाले दिन असी 10 ज़ोन बना दिते ने, हर ज़ोन तो बाहर हल्के तो साडा हर जगह 200-200 नौजवान एक लीडर की अगवाई बैठा होगा, कितने भी कोई धक्का होने की कोशिश करते असी सब तो पहला इनफॉर्म करांगे पुलिस डिपार्टमेंट नूं प्रशासन नूं इलैक्शन कमीशन नूं, पर जे कोई कार्रवाई नहीं होंदी तां साडी टीम हर जगह पहुँचूगी। ये भुलेखे कढ देना हुण देना नहीं, लेकिन असी नहीं चाहते कोई खून खराबा होवे, ग्राउंड ते कुछ नहीं हैगा इन्हां कोले, उन्हां नूं दिख रहा वा सारा। ये अज देखो सरकार दा कैप्टन अमरिंदर सिंह दा सब तो जिहड़ा नेड़ला साथी उह चोण लड़ रहा इत्थे आ के ना, तुसीं आप जाके लोगों के व्यूज़ लै लो की ने, लेकिन हुण जदों दिख रहा इन्हां नूं भी पल्ले कुछ पै ही नहीं रहा, अज इन्हां नूं 12-13 दिन हो गए इत्थे आया नूं लोगों का रिस्पोंस नहीं हैगा, तो फिर कोशिश तो अगला करते भी हुण की करिए भी किवें ना किवें असीं इदां करिए, फिर धमकियां दे रहे हैं लोगों नूं हुण, पर साडे लोग कोई परवाह नहीं। देखो ये कर सकते हैं लेकिन असीं बिल्कुल देखो अज सोशल मीडिया का युग आ, इस टाइम के
ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸਤਰਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਵਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਨੇ SHO ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਅਗਲਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ।